कर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा कंप्रेशर होता है, ठीक है, एयर कंप्रेशर, उसका CFM में हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कितने क्यूबिक फीट पर मिनट वो एयर सप्लाई कर सकता है, ठीक ना। तो CFM हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, तो डिटेल्स में बात करें इसके बारे में। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं जो हमारे एयर कंप्रेशर होता है, ठीक है ना। तो एयर कंप्रेशर की जो मतलब जो यूनिट है CFM, मतलब कितने CFM ये एयर दे सकता है, ठीक है ना। तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो हमारा एयर टैंक होता है, ठीक ना, एयर टैंक या फिर एयर रिसीवर टैंक, इसकी हमें पहले मतलब इसका कैपेसिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कितना एयर इसमें आएगा, ठीक है ना, क्यूबिक फीट में, ठीक ना। एयर टैंक कैपेसिटी इन क्यूबिक फीट, ओके, जो हमारा एयर टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है क्यूबिक फीट में, ओके। हमें क्या करना है, जो हमारा एयर टैंक है उसकी कैपेसिटी निकाल लेनी है क्यूबिक फीट में, और दूसरा हमें क्या करना है, जो टैंक है उसको एम्प्टी कर देना है। दैट मीन्स कि जो भी एयर है उस टैंक में उसको हमें रिलीज कर देना है, ठीक ना, टैंक पूरा खाली कर देना, ओके। तीसरा स्टेप हमें क्या करना है, स्टार्ट फीलिंग एयर एंड रिकॉर्ड लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रेशर एंड लोडिंग एंड अनलोडिंग टाइम। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, जो हमारा एयर टैंक है उसको उसकी कैपेसिटी निकाल लेनी है किसमें, क्यूबिक फीट में, और दूसरा स्टेप हमें क्या करना है कि जो भी हमारा टैंक है उस टैंक को खाली कर देना, जितना भी उसमें एयर है उसको खाली कर देना है। थर्ड स्टेप क्या करना हमें कि स्टार्ट फीलिंग एयर एंड रिकॉर्ड लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रेशर। थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, टैंक को खाली करने के बाद अगेन हमें उस टैंक को जो हमारा एयर रिसीवर टैंक है उसको फीलिंग स्टार्ट करना है एयर से, मतलब, और उसका प्रेशर रिकॉर्ड करना, ठीक है ना, कि अनलोडिंग प्रेशर कितना है हमारे कंप्रेशर का और लोडिंग प्रेशर कितना है, ओके, और अनलोडिंग और लोडिंग होने का टाइमिंग कितना है, दोनों के बीच का टाइमिंग कितना है, ठीक है ना, अनलोडिंग होने में कितना टाइम लग रहा है और लोडिंग होने में कितना टाइम लग रहा है, ओके। और फोर्थ नंबर का स्टेप हमें क्या करना है, फोर्थ नंबर में क्या करना है कि हमें रिकॉर्ड करना है कि लोडिंग प्रेशर और अनलोडिंग प्रेशर कितना है और दोनों को माइनस कर लेना, ठीक है ना। मान लीजिए कि फोर्थ नंबर प्रोसेस हमें ये, मान लीजिए कि हमारा जो लोडिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक ना, लोडिंग ऑफ कंप्रेसर स्टार्ट एट 6 kg/cm² एंड अनलोडिंग एट 8 kg/cm², ठीक ना। तो हम 8 में से 6 माइनस कर लेंगे, जो हमारा प्रेशर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 kg/cm², ठीक ना। फिर इस प्रेशर को हमें कन्वर्ट इट इनटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक ना, जो डिफरेंस है हमारा लोडिंग प्रेशर का और अनलोडिंग प्रेशर का उसको हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक ना। उसके बाद जो हमारा CFM का फॉर्मूला होगा वो होगा P into V into 60 upon T, ठीक ना। क्या है फॉर्मूला, P into V into 60 upon T, ठीक ना। P कौन सा है, जो V है वॉल्यूम ऑफ टैंक है, जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, ओके, क्यूबिक फीट में, ओके, और दूसरा हमारा P क्या है, P हमारा ये वाला प्रेशर, फोर्थ नंबर पे जो हमने निकाला था प्रेशर कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक, ठीक, और टी क्या है, टी हमारा ये टाइम है, ठीक ना, लोडिंग और लोडिंग में कितना टाइम लग रहा था, ओके ओके, टी कौन सा है, थर्ड नंबर वाला, ओके, थर्ड नंबर क्या था हमारा, लोडिंग एंड अनलोडिंग में हमारा कितना टाइम लग रहा है, ओके। तो अब एक एग्जांपल लेके देखेंगे हम कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। हमने एग्जांपल लिया है, देखते हैं इसको कैलकुलेट करके। यहाँ पे हमारा टैंक वॉल्यूम कितना है, 400 लीटर को हमने क्यूबिक फीट में कन्वर्ट किया तो कितना है, 14.125, ओके, और जो हमारा प्रेशर था, प्रेशर डिफरेंस कितना था, 2 kg, इसको हमने एटमॉस्फेरिक में कन्वर्ट किया तो कितना हो गया, 1.935, ओके, और जो टाइम लगा वो कितना लगा, 15 सेकेंड लगा।
तो हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं CFM इज इक्वल टू प्रेशर कितना है यहाँ पे हमारे पास 1.935 इंटू वॉल्यूम कितना है हमारा 14.125 ओके मल्टीप्लाई 60 अपॉन 15 ठीक ना। 15 क्या था टाइम था हमारे पास, तो यहाँ से आप जब कुछ सॉल्व करेंगे तो CFM हमारे पास आ जाएगा 109 ठीक ना। तो कितना आ गया CFM हमारे पास 109 ओके। दैट मीन्स कि जो हमारा कंप्रेशर था वो कितने क्यूबिक फीट पर मिनट एयर दे सकता है 109 ओके। तो इस तरह से आप अपने भी आपके प्लांट में जो कंप्रेशर होगा उसका भी आप कैपेसिटी CFM में निकाल सकते हो ओके। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आप आपके जो प्लांट का स्पेसिफिकेशन है वो लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो। और जो टैंक है ना, टैंक का वॉल्यूम आपका जो मतलब जो एयर रिसीवर टैंक होगा वहाँ पे एक मतलब नेम प्लेट लगा रहता है ठीक है, नेम प्लेट पे दिया रहेगा कि टैंक का वॉल्यूम कितना है ओके। और इस वॉल्यूम को आप क्यूबिक फीट में इजिली कन्वर्ट कर सकते हो ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।